रथ में सवार नगर भ्रमण कर गणपति बप्पा की हुई विदाई। अगले वर्ष तू जल्दी आ की आस में लोगों ने लगाए जयकारे। खबर कराहल से है, जहां सभी जगह विराजमान विघ्नहर्ता की विदाई के बेला पर गणपति बप्पा को सुंदर रथ सजाकर विराजमान किया गया और ढोल बैंड बाजे नृत्य कलाकारों के साथ धूमधाम से सारे कराहल नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह लोगों ने भगवान श्री गणेश की आरती की और अपने अपने घरों में विराजित गणेश जी की मूर्तियों को भी रथ के साथ विसर्जन के लिए रवाना किया। बाहर से आए हुए नृत्य कलाकारों ने भजनों की धुन पर शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को आनंदित कर दिया। आपको बता दें कि जगह जगह भगवान की विदाई रथ के लिए स्वागत द्वार बनाए गए, पुष्प वर्षा की गई, मंगल आरती गाई गई। वहीं पालीवाल भवन में विराजित गणपति जी का शोभा रथ विभिन्न स्थानों पर आशीर्वाद प्रदान कर अतः पाठक निवास पर पहुंचा, जहां सभी भक्तगणों के लिए भोजन पानी का प्रबंध किया गया और रिद्धि सिद्धि के दाता की मंगल आरती किया गई। रविंद्र पाठक जी ने हमसे बात करते हुए बताया कि उनके पूज्य पिताजी भैरोलाल पाठक जी ने अपने मित्रों के साथ मिलकर इस गणेश आयोजन और विसर्जन तक के सारे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तब से लेकर अब तक करीब 7 दशक बीत जाने के बाद तक हमारा परिवार इस परिपाटी को निभाते चला आ रहा है। आज जो पालीवाल भवन में जो गणेश जी महाराज विराजमान थे, आज उनका विसर्जन का दिन है। लंबे सदियों से हम देखते रहे हैं कि विसर्जन के समय सभी जगह से घूमते हुए अंत में रविंद्र पाठक जी के यहाँ पे गणेश जी कराता था, जहाँ पे ये पूजन होता है। रविंद्र पाठक जी से मिलकर जानते हैं। सर, हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि जो विमान है अंत्योदय आपके द्वार पर आता है, यहाँ पूजा पाठ होती है, ये सारा क्या नाता है, मतलब कैसे ये परपाटी चली आ रही है? जहाँ तक नाते रिश्तों की बात है तो केवल हमसे ही नहीं, सम्मानीय नागरिक इस गाँव के जो धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों में से मतलब लगाव रखते हैं, उन सबसे ही नाते रिश्ते हैं, उन सभी के यहाँ जाता है। रहा सवाल हमारा तो आज के आयोजक श्री देवकिंदन पालीवाल, इनके पूज्य पिताजी श्री बद्रीलाल जी पालीवाल और हमारे पिताजी श्री भैरवलाल जी पाठक, ये एक तरह से उन्हें हमारे पिताजी को बड़े भाई की तरह सम्मान मतलब करते थे। और एक और परिवार थे श्री मतलब दुर्गा शंकर जी मुदगल, इन तीनों में बड़ा मतलब लगाव था, भाईचारा था, छोटे बड़े भाई की तरह रिश्ते थे। और ये तीनों ही लोग उस समय की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति इनकी अत्यंत दयनीय थी, तो ये एक बहुत छोटे स्वरूप में मिट्टी की मूर्ति बनाकर, हालांकि सम्मानित नागरिक कुछ आर्थिक सहयोग मतलब करते थे। और रहा सवाल हमारे संबंधों का, हाँ, एक और परिवार श्री कोमल मतलब प्रसाद जी मतलब पिपरौनिया, वो भी इनके सहयोगी थे। और हमारे पिताजी शास्त्रीय संगीत भजन गायन वादन इसमें मतलब रुचि भी मतलब रखते थे, और इस रुचि की वजह से जो इस जिले के उस समय बड़े बड़े पारंगत थे शास्त्रीय संगीत वगैरह में गायन वादन में, श्री 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 एक हजार आठ श्री मतलब विजयगिरी जी परमंश, उनके शिष्य पंडित विश्वम वरदयाल जी शुक्ला जो राष्ट्रीय गायक की उपाधि प्राप्त थे, सबलगढ़ साइड के देवीलाल जी नट जो सारंगी के बहुत बड़े मास्टर थे, एक जो मतलब तबलिस्ट थे मतलब बुद्धि जी नट, बद्री मतलब प्रसाद जी नागर, ऐसे सब संगीत के मर्मज्ञों को लाते थे और उनकी वाणी में इतना ओज और इतना रस था कि जो लोग शास्त्रीय संगीत में या भजनों में नहीं जानते, लेकिन उनकी मतलब मधुरता और मतलब सरसता की वजह से वो गायन वादन कर रहे हैं तो अगर सुई भी गिरती है इस बीच में तो उसकी भी वो आती थी आवाज़। पर जो जैसे आज मतलब समापन का दिन है, बड़े बड़े मतलब उनको मतलब कलाकारों को लाना, तो धीरे धीरे आज आर्थिक स्थितियाँ अच्छी हुई और भव्य से भव्य अब उनका परिवार श्री पालीवाल जी वगैरह इस कार्यक्रम को और मतलब नया रूप दे रहे हैं। हमारे जहाँ तक संबंधों का प्रश्न है, हम भी थोड़ा संगीत में मतलब रुचि रखते हैं, मेरी बेटी पूजा पाठक भी, अनुराधा पाठक भतीजी, विशाल पाठक मेरे भाई साहब अब खैर मतलब बुजुर्ग हो गए, और मैं भी संगीत से मतलब रुचि है, संबंध नाते रिश्ते हैं ही, तो वो इस वजह से इस तरह एक लंबी कहानी है और वो मतलब परंपरा आज तक मतलब चल रही आ रही है। और भगवान ने चाहा तो इन सब की भी धार्मिक मतलब रुचियाँ हैं। आदरणीय श्री बद्री मतलब प्रसाद जी पालीवाल बहुत सीधे सज्जन भले आदमी थे, तो वो इनमें संस्कार भी हैं और मतलब चलता आ रहा। और क्या कुछ सर कहना चाहते हैं, आप भी वैसे ही साथ हैं और उसमें साथ रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस आयोजन को लेकर? भाई, इस आयोजन को लेकर के ये जो गणेश मंडल है, सभी गणेश मंडल के सदस्य लोग इसको मनाते हैं,
पालीवाल जी के हैं। ये शुरू से जब से देश स्वतंत्र हुआ था, जब से ये गणेश जी की ये प्रतिमा रख करके और गणेश मनाते आए हैं, और सभी गणेश मंडल सदस्य लोग मिल करके और ये मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। और इसी प्रकार 7 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह चलते हैं, संगीत चलते हैं, और बड़ी धूमधाम से आज विसर्जन के समय सभी लोग मिल करके और उसको विसर्जन